हाँ भाई क्या चल रहा, बोरियत, शर्म आ रही है तुम्हें? शर्म से शुरू करेंगे, बोरियत से नहीं। शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? कल के वीडियो पे कमेंट आया हुआ है मेरी कि इट्स शेमफुल उन लोगों के लिए उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये जानते हुए कि मुनव्वर गलत है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा क्या गलती करी है, बकरी चुराई है? नहीं चुराई ना, तो शर्म किस बात की? मैं कर दिया लड़कीबाजी, हो गई बात खत्म। कौन सा किसी का दिल बेच दिया हमने? तोड़ तो दिया ही होगा, बट अगर दिल टूटा होता ना ये चिड़िया उड़ी नहीं खेल रहे होते। क्या देखना पड़ रहा है मुझे ये सब, क्या देखना पड़ रहा है? पता प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो साइड करना चाह रहे हैं मुनव्वर से पहले से उनकी खिलसी बढ़ी है या किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, जो तुम्हें मालूम ही है। उनको ही लग रहा है कि अगर मुनव्वर को तुम सपोर्ट करो, शर्म के मैं जाना, हमारा वाला कम से कम किसी के साथ जाता और किसी के साथ निकलता तो नहीं है जो कर रहा है। दो लोगों से छुपा के कर रहा है, पूरी दुनिया से छुपा के कर रहा है। अरे मुनव्वर की बहन का इंटरव्यू आया कि भैया हमें भी नहीं मालूम था, और ऐसे रोते हुए देखना हमें भी पसंद नहीं आया। अभी वीकेंड के बार आएगा तो पता चलेगा, वरना मेरे को भी जानता है वीकेंड के बारे में सलमान को क्या कहना है। इस पर झाड़ेगा तो मुनव्वर को, वो तो हमें भी मालूम है, क्योंकि और कोई है नहीं ना सुनने के लिए। बात तो सही है। पहले इंटरव्यू दिया, उसमें नाम नहीं लिया था, उसके बाद बिग बॉस मिल गया। बिग बॉस में बोला मेरे को सॉरी चाहिए, सॉरी मैं कभी माफ नहीं करूंगी, ये ले सफेद शर्ट पहन। अरे ये कैसी माफी है बे, मैं कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। अरे चिड़िया उड़ी खेले मुन्ना। अरे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आयेश, एक तो अभी पहले अभिषेक था ना, अभिषेक की तारीफ करेंगे आज। एक तो अभिषेक था जिसका यही चलता रहता था कि आयशा के साथ ये हुआ, आयशा के साथ वो हुआ, आयशा का भी यही था। आयशा वही बन गई है, मुनव्वर ने ये किया, मुनव्वर ने वो किया। अरे कोई और टॉपिक इधर बात कह रहे हैं, बाहर की बात नहीं करनी। तूने उसका कितनी बार डिस्कस करा है, और करे भी किसके साथ? जोकर के साथ। हम जोकर देख के जाते, तेरी बातों में हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बताओ चले, ये विक्की जैन, अंकिता लोखंडे टांग खींच रहे हैं मुनव्वर की। वो वहाँ पे बैठकर साइड में कहानियां सुना रही है। मैं कहा नहीं सुननी, मुझे नहीं सुननी तेरी प्रेम कथा। साला वो पता नहीं फिर क्यों अचानक से उसको रोना आ जाता है, फिर आके पूरा एपिसोड यही मुनव्वर, आयशा, नाजिला। नाजिला बेचारी कुछ करे भी नहीं रही है, फिर भी लोग पड़े हुए हैं उसके नाम के पीछे, उसकी प्रोफाइल के पीछे। और देखो मैं ये नहीं डिनाई करता कि मुनव्वर से गलती नहीं हुई होगी, हुई होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तुम शेयर नहीं करती हो। सेम चीज़ अंकिता लोखंडे ने भी बोली थी ऐसे चार्ज के बारे में, जो मुझे लगता है ये ज़बरदस्ती खींच के ले आती है। सुशांत वाला टॉपिक नहीं लाना चाहिए था, मैं खुद बोल देता ये चीज़। जब तुम्हारा रिसेंट ब्रेकअप होता है, जो फ्रेश ब्रेकअप होता है, तुम कभी भी उसके बारे में किसी और को नहीं बताओगे या नए बंदे को नहीं बताओगे। पहले तो जाओगे नहीं रिश्ते में, किसी नए रिलेशनशिप में, बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है या मौका मिला है या कोई अच्छा लग गया है तो तुम क्यों थोड़ी बताओगे मेरा 2 दिन पहले ब्रेकअप हुआ है। सुनने में अच्छा नहीं लगता, सबको मालूम है। ये क्या कहते हैं यार, इसका एक वर्ड है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्योंकि अगर तुम बता दोगे तो सामने वाले को भी बताना है ये तो भैया टाइम पास करने आया है, ये अभी भरा नहीं है, ये बस दर्द पे मलहम की तरह यूज करेगा। तो ये है हम सबके बीच में, अब हुआ गया ये चीज़। अब इसको तुम गलत कहते हो तो कह लो, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई गलती है। अब इनका कहना कि झूठ बोला गया, तो भैया क्या झूठ बोल दिया, क्या झूठ बोल दिया। नाजिला ऐसी है, नाजिला तो तेरे सामने दूसरी लड़के की तारीफ थोड़ी करेगा यार, कॉमन सेंस है। एक तो मैं लाइन मार रहा हूँ, ब्रेकअप से निकला हूँ, तो उसकी तारीफ थोड़ी करूँगा मैं। कुछ भी पॉइंट है, चलो मान लेते गलत है, हो गया, ठीक है ना। मतलब किसी ने कहा है ना कि कौन सीखता है बातों से, एक हादसा तो सबको जरूरी है। हो गया ठीक है, रोए जा रहा है यार, गुनाह हो गया, कुछ नहीं हुआ यार, सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में होता है। तुम अभी CLW वाले तुम्हें बंदी नहीं मिली होगी, मेरे से पूछो भाई, मेरी तो पूरी कहानी है, मैंने तो अपना पूरा इतिहास बता रखा है, और मेरा तो बहुत गंदे गंदे कटे हैं बड़े काले। ये थोड़ी मैं कोई ग्रज लेके बैठा हुआ हूँ, माफ़ करो, गाना बनाओ छोड़ दो। मैंने गाने बहुत सारे बनाए, घंटा बाद पूरा ब्रेकअप सॉन्ग ही है मेरा, बहुत फ्रस्ट्रेशन में लिखा हुआ है मैंने। सुना नहीं होगा तो सुनना, पहले घंटों बातें होती थी, अब घंटा बातें होती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसके अलावा आज के जो प्रोमो आए हैं, अब अभिषेक की तरफ देखो, बंदा है हरामी, अननेसेसरी लड़ता है, बट इस बार थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आयशा खान, डायन खान बात कर रही थी मुनव्वर के खिलाफ में, तो अभिषेक ने स्टैंड लिया और फिर सही बात उसको समझाई भी उसके फेस पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे चलो इसने सही किया है, और इसके लिए मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, बस इतना ही करूँगा, ज़्यादा उम्मीद रखता नहीं। वैसे 2 दिन बाद इसी से लड़ रहा होगा। बात तो सही है। चले अंकिता को ऐसी बातें बोल दी ना, लड़ाई में धक्का धुक्की पा गया। मैं कहा सलमान ने इसको झाड़ा नहीं ना इस बारे में, किसी को झाड़े बट इसको झाड़े, यार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, इतना बंदा हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ इसको काम कैसे मिलेगा मैं नहीं जानता, मैं सोचता हूँ कई बार, पर ठीक है अच्छा किया तो अच्छा बोले। और इसके अलावा प्रोमो रिलीज हुआ ऐश्वर्या का, भाई सब सच्ची असली वैम्प है वो। अंकिता लोखंडे भी है बट वो बातों से या हरकतों से उसके पति की वजह से छुप जाता है। ऐश्वर्या भाई कंट्रोल ही नहीं हो रही है। नील भट्ट और ये सब बैठे हुए थे, जोकर भैया, आयशा, डायन खान और अभिषेक, सब मतलब इस पे चढ़ गई नील भट्ट, अपने पति पे चढ़ गई। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मैं करूँगी। अरे तेरे से लड़ना भी नहीं है मेरे को बाबू, मैं करूँगी तो बता। मैं अरे शांत हो जा वैम्पायर, वो नहीं हो पाएगा। तुम लुक्स भी दे रहे हो, उसने जो बोला व्हाइट शर्ट पहनो तो पहन के भी जा रहे हो, तुम दिखा रहे हो वैसे हीरो वाली स्टाइल में। अभी प्रोमो रिलीज हुआ, वो मुनव्वर की लव स्टोरी को जज कर रहे, दोनों पति पत्नी बैठ गए। नील फिर भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंट है, वो ऑब्जर्व कर लेता है, एनालाइज कर लेता है। अभी मैं क्लिप में मेरे को टैग किया गया था कि ये नील भट्ट ने बात करी डायन खान से कि अभी ना मैं देखूंगी 7-10 दिन जान पहचान हो जाएगा, जब तक ज़रूरत है तब तक यूज़ करूँगी मुनव्वर का, फिर छोड़ दूंगी। यार नाम सही रखा हमने, वंस अ डायन ऑलवेज अ डायन। इनके रिलेशन क्लियर नहीं है ना, इसलिए अगर ये देखो उससे दूरी बनाए रखता है इससे, तो यस मैं समझ सकता हूँ। दूसरी क्लिप है वो शर्ट वाली क्लिप दिखा रहा है कि शर्ट पहन लो, वाइट शर्ट पहन लो, ब्लैक सूट नहीं कर रहा। कोई पूछ रहा खाना किसने दिया तो मुनव्वर ने खाना दिया है। क्या है ये, मेरे को तो देख के क्रिंज लगने लग गया है यार। 2 दिन लगे तेरे को पिघलने में, मैं तो पिघल गई। अरे पिघली नहीं गंदगी फैला दी तूने, हट यहाँ से, गजब बेइज्जती है। इसके बाद नॉमिनेशन टास्क हुआ है। खबर आई है कि नील भट्ट, अंकिता लोखंडे, ऐश्वर्या शर्मा और अनुराग जोकर दोगल, ये 4 नॉमिनेटेड है। अब कौन निकलेगा बताओ, मैं बताऊँ? अनुराग को ये निकाल नहीं सकते क्योंकि अनुराग को वोट मिलेंगे, जोकर को वोट मिलेंगे। अंकिता लोखंडे और ऐश्वर्या राय में अगर चुनना पड़े, ऐश्वर्या शर्मा में चुनना पड़े, अंकिता लोखंडे बेटर पोजिशन पे, ऐश्वर्या और नील भट्ट में चुनना पड़े तो मेरा वोट तो नील को जाता है। बट देखना यह है कि ऐश्वर्या की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, तो मेरे हिसाब से अगर वोट आउट हुआ और निकाला गया तो नील भट्ट चाहे कितना ही भी बोलते बिग बॉस इज माय गॉड, इस वोट आउट में नहीं बच पाएगा बेचारा। ट्रू स्टोरी ब्रो, ये तो तुम्हें भी मालूम है। चलो रिंकू धवन को क्यों नहीं निकालते? रिंकू धवन कर क्या रही है, जेन्युइनली पूछ रहा हूं मेरा। रिंकू धवन, अनुराग, जोकर भैया क्या कर रही है? और कौन है? मनारा चोपड़ा, वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखने आया हूँ क्या मैं यहाँ पे? क्यों लाई इसको मैं नहीं बताऊंगा। चलो ये सीजन ही ना ऐसे एवरेज बंदे रखे हैं, बस नाम बड़े हैं इनके, फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है, बट पर्सनैलिटी वाइज मेरे को किसी का भी गेम नहीं दिख रहा। मुनव्वर को भी तब दिखे ना कंपटीशन कुछ हो, कोई कंपटीशन ही नहीं रही। जोकर कंपटीशन है, वो खुद सोया पड़ा रहता है, मैं सो नहीं रहा। अरे चलना, हमें भी मालूम है कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा। बाकी आज इतना ही है, कुछ था नहीं खास। आज का एपिसोड भी पता नहीं क्या टट्टी आ गया। तो देखो अगर आज के एपिसोड के जो प्रोमो देखे मेरे को टट्टी लगे तो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो कल एपिसोड के ऊपर बात करेंगे, वरना फिर कुछ और बनाएंगे बिग बॉस से रिलेटेड या मुनव्वर से रिलेटेड, ठीक है? या जो तुम बोलो आज कमेंट में बताओगे वो कर देंगे, ठीक है? लाइक कर देना। पीस आउट।